नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे और राजस्थान में करप्शन को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर बड़ा कटाक्ष कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में करप्शन को लेकर के सीधे तौर पर आलू से सोना बनाने वाली मशीन का जिक्र कर दिया और ये कहा कि जो सोना बरामद हो रहा है, जो तिजोरी से खजाना बरामद हो रहा है, ये आलू से निकला हुआ सोना है या फिर जनता की जेब से निकाला गया सोना है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि ये वही राहुल गांधी का बयान था जो कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और राहुल गांधी एक ऐसी मशीन का जिक्र करते हैं जिसमें से आलू से सोना बनाने की बात होती है। आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव को लेकर के बीजेपी की ओर से बैक टू बैक जनसभाओं का सिलसिला लगातार तेज हो चुका है। अमित शाह के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र पहुंचे। यहां झीलों की नगरी उदयपुर शहर में उन्होंने अपने चीर परिचित अंदाज में कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का सिर्फ एक ही एजेंडा है, राजस्थान को लूटो और कांग्रेस की तिजोरियां भरो। पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग देख रहे हैं ना कि सोना बरामद हो रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह सोना आलू में से बरामद होने वाला सोना है या लोगों की जेबें काट कर बनाया हुआ सोना। साथ ही पीएम मोदी बोले कि इन्हें देश के युवाओं से कोई मतलब नहीं, इन्हें बस एक ही युवराज की चिंता है और उन्हीं पर मरे पड़े हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल के दाम, जल जीवन मिशन और टूरिज्म के मुद्दे पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। साथ ही आतंकवाद और कन्हैयालाल हत्याकांड मुद्दे पर भी गहलोत सरकार को जमकर घेरा। सुनिए किस तरीके से पीएम मोदी राजस्थान में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के गहलोत सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, राजस्थान को लूटो, कांग्रेसियों की तिजोरी भरो। भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए हवा पानी की तरह है, जैसे हवा पानी के बिना कोई रह नहीं सकता, ये कांग्रेस भी उसके बगैर कांग्रेस का काम चल ही नहीं सकता। राजस्थान में कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि हां ऐसी लूट मची है जैसी देश में कहीं और नहीं है, ये उनके नेता बोल रहे हैं। और आप देखिए, यहां के भ्रष्ट अधिकारियों के लॉकर से भारी मात्रा में सोना बरामद हो रहा है। सोना अभी आलू में से बना हुआ सोना है कि लोगों के जेब काट करके बना हुआ सोना है? ऐसे ऐसे मामले सामने हैं जहां सीएम के करीबी अफसर एक साल में दो दो दर्जन फ्लैट खरीद ले रहे हैं। राजस्थान को इस जंगल राज से निकालना बहुत जरूरी है, निकालना चाहिए ना, इस जंगल राज से मुक्ति मिलनी चाहिए ना, राजस्थान को उसका गौरव फिर से मिलना चाहिए ना, इसके लिए कांग्रेस का जाना जरूरी है ना। यहां भाजपा सरकार आने के बाद हर भ्रष्टाचारी पर सुन लीजिए और जो अपने यहां घर से मुझे सुन रहे हैं वो भी समझ ले, हर भ्रष्टाचारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेवाड़ की माटी देश के मस्तक पर तिलक की तरह है, लेकिन जब जब इस धरती को कांग्रेस की नजर लगी तब तब
इसके स्वाभिमान को चोट पहुंची। पीएम मोदी ने इसके बाद कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उदयपुर में कन्हैयालाल जी के साथ आतंकी घटना कांग्रेस के लिए एक बड़ा दाग है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी बर्बरतापूर्ण घटना उदयपुर में इसलिए हुई क्योंकि यहां आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस सरकार है। साथ ही पीएम मोदी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि किसने सोचा था कि राजस्थान में कभी रामनवमी और कांवड़ यात्रा पर बैन लग जाएगा, लेकिन कांग्रेस सरकार ने यह पाप कर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के कारण ही पीएफआई जैसे संगठन बेखौफ रैलियां करते हैं। कांग्रेस सरकार आतंकवादियों की हमदर्द है, इसलिए कांग्रेस की सरकार को 25 नवंबर को हटाना है। सुनिए किस तरीके से पीएम मोदी आतंकवाद के मसले पर भी कांग्रेस पार्टी को जमकर घेर रहे हैं। इस धरती को जब जब कांग्रेस की नजर लगी है, तब तब इसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची है। कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के लोगों के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली वारदातें हो रही है। उदयपुर में कन्हैयालाल जी के साथ आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। ऐसी जघन्य वारदात उदयपुर में इसलिए हुई क्योंकि यहां आतंकियों के साथ सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस की सरकार है। साथियों, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की विरासत, राजस्थान के गौरव को खतरे में डाल दिया है। जैसे हालात राजस्थान में पहले कभी नहीं बने, वो पिछले 5 साल में हमने देखे हैं। किसने सोचा था कि राजस्थान में कभी रामनवमी की शोभा यात्रा और कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन ये पाप कांग्रेस सरकार ने किया है। क्या ऐसी कांग्रेस सरकार को राजस्थान में रहने देना चाहिए? ऐसी कांग्रेस को राजस्थान में जगह मिलनी चाहिए? आज यहां कांग्रेस सरकार है इसलिए पीएफआई जैसे आतंकी संगठन बेखौफ होकर रैलियां निकालते हैं। आतंकियों की हमदर्द कांग्रेस सरकार राजस्थान को तबाह करके मानेगी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के मर्दों तक को अपमानित किया है। राजस्थान के मर्द की मर्दानगी माता बहनों की रक्षा के लिए होती है, लेकिन कांग्रेस के मंत्री बेशर्मी से राजस्थान के मर्दों के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस की ऐसी ही सोच है। पीएम मोदी ने इस दौरान भिलवाड़ा भट्टी कांड का जिक्र करते हुए महिला अपराध के मुद्दे पर भी कांग्रेस को जोरदार हमला बोला है। सुनिए पीएम मोदी महिला अपराध को लेकर के कैसे गहलोत सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। मेरे परिवारजनों, आज राजस्थान में न दलित, पिछड़े और गरीब सुरक्षित है, ना ही हमारी बहन बेटियां
सुरक्षित है। कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में राजस्थान को नंबर वन बना दिया है। मेरे परिवारजनों, आज राजस्थान में न दलित, पिछड़े और गरीब सुरक्षित है और ना ही हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में राजस्थान को नंबर वन बना दिया है। कांग्रेस सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध को काबू कर पाने में पूरी तरह नकारा साबित हुई है और शर्मनाक ये कि कानून व्यवस्था के सवाल पर कांग्रेस के मंत्री मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। डूब मरो कांग्रेस के लोगों, आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं? आपने सिर्फ राजस्थान की माताओं बहनों का ही अपमान नहीं किया, आपने राजस्थान के मर्दों का भी अपमान किया है। राजस्थान के मर्द माता बहन की इज्जत के लिए अपना सर कटाने के लिए तैयार होने वाले लोग होते हैं। उनकी मर्दानगी माता बहनों की रक्षा के लिए समर्पित होती है और तुम्हारे मंत्री सबके बीच बेशर्मी से ऐसी भाषा का प्रयोग करे। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये कांग्रेस की यही असली सोच है और इसलिए कांग्रेस के राज में बहनों बेटियों की इतनी बुरी गत बन गई है। अभी उदयपुर में ही कुछ दिन पहले ही दो बहनों की निर्मम हत्या की गई थी। इसके बाद यहां की एक और बेटी कांग्रेस के राज में अत्याचार की भेंट चढ़ गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद के मसले पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, भ्रष्टाचार के मसले और लाल डायरी का जिक्र किया, बल्कि यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में सबसे बड़े सियासी घमासान यानी कि कुर्सी की लड़ाई को भी लेकर के कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष किया। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आपके 5 साल पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए है। यहां तो कुर्सियों को लेकर के लड़ाई होती है कि कौन कुर्सी पर बैठेगा और कैसे कुर्सी को खींची जानी चाहिए। यहां पर सीधे तौर पर इशारों में पीएम मोदी ने गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मचे सियासी घमासान का जिक्र किया। सुने पीएम मोदी किस तरीके से राजस्थान में कुर्सी की लड़ाई को लेकर के छिड़े सियासी बवाल का जिक्र कर रहे हैं। साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान के 5 साल बर्बाद किए हैं। 5 साल तक राजस्थान की सरकार इसी में उलझी रही कि कुर्सी पर कौन बैठेगा, कुर्सी कौन खींच लेगा, अब कुर्सी बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये कुर्सी की इस लड़ाई में कांग्रेस ने जनता के मुद्दों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने राजस्थान के गरीबों, दलितों, वंचितों के लिए
कुछ नहीं किया, वो कुर्सी के लिए लड़ते रहे और अब चुनाव आए हैं तो पहले वो झूठे वादों का झुंझुना लेकर आदतन मैदान में आ गई है। लेकिन राजस्थान के लोग उनके वादों की सच्चाई जानते हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने वाली हर लाल डायरी बाहर आकर के रहने वाली है। साथियों, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यहां के युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। राजस्थान में दर्जन भर से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, कितनी मेहनत से हमारे युवा परीक्षा की तैयारियां करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार को राजस्थान के युवाओं की चिंता नहीं है। वो तो एक ही युवराज के लिए मरे पड़े हैं। भ्रष्टाचार की आदि हो चुकी कांग्रेस अपनी तिजोरी भरने के लिए पेपर लीक माफिया को बढ़ावा दे रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की सरकार छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले माफिया पर कड़ी कार्रवाई करके रहेगी। छात्र छात्राओं को न्याय दिला करके रहेगी। आपको बता दें, सीधे तौर पर कई सारे मुद्दे पर यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी हमलावर नजर आए, लेकिन खासकर अगर बात हम आलू से सोना बनाने वाली मशीन का जिक्र करें तो ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया था जब राहुल गांधी ने ये बयान गुजरात इलेक्शन के दौरान दिया था। फिलहाल ये बयान राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे और राजस्थान में जिस तरीके से करप्शन मचा हुआ है और राजस्थान में पेपर लीक के दौरान तमाम जो दावे किए गए बीजेपी के नेता किरोड़ी लाल मीना के द्वारा कि यहां पर कांग्रेस नेताओं ने खूब पैसे लूटे हैं और इनके पैसे जो हैं वो तिजोरियों में बंद हैं, और इसी चीज को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं गहलोत सरकार पर हमलावर नजर आए और सीधे तौर पर यहां पर आलू से सोना बनाने वाली मशीन का जिक्र कर दिया और ये कहा कि यह सोना कहीं आलू से बनाया गया है या फिर जनता की जेबें काटकर बनाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।